आधुनिक भारत में डिजिटल भारत का सपना तो पूरा होता नजर आ रहा है, किंतु डिजिटल होने की आड़ में कुछ शातिर इसका नाजायज फायदा उठाने में लगे हैं। फेसबुक पर पिछले कुछ समय से मामला सुर्खियों में है कि पहले आपके नाम से फेक आईडी बनाई जाएगी, फिर आपके रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे मांगने जाते हैं। इस तरह लोग आए दिन एक बड़ी ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। लेकिन बेफिक्र रहिए और जागरूक हो जाइए, क्योंकि पानीपत से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां ऐसी ठगी का शिकार हरियाणवी गायक विकास हुआ है। आज से करीब 15 साल पहले गाना बहुत ही हिट हुआ था, हट जाता हूं पाछे ने। जी हां, ये वही सिंगर विकास हैं जो डिजिटल ठगी का शिकार हुए हैं। शातिरों ने इनके नाम से फेक आईडी बनाई और इनके दोस्तों से पैसे ऐंठने लगे। एक साल पहले विकास इसकी शिकायत पुलिस में कर चुके हैं, लेकिन पुलिस आरोपी को काबू नहीं कर पाई थी। फिर गायक विकास ने इन डिजिटल चोरों को सबक सिखाने का मन बना लिया और जैसे तैसे आरोपी को पानीपत बस स्टैंड पर बुला लिया और आरोपी पैसे लेने पानीपत बस स्टैंड पहुंच गया। वहां गायक विकास ने उस शातिर को दबोच लिया और बस स्टैंड पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। आरोपी यूपी के सहारनपुर का रहने वाला है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, आप भी गायक विकास की तरह अलर्ट रहें, क्योंकि डिजिटल चोरों का यह गिरोह छोटा नहीं है। कहीं आप इसके शिकार ना हो जाएं। अपने नाम से बनी फेसबुक फेक आईडी का ध्यान रखें। चलिए हरियाणवी गायक विकास से सुनते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए आज से करीबन एक डेढ़ साल पहले किसी व्यक्ति ने मेरे नाम से फेक आईडी बना ली थी फेसबुक पे, और जिससे वो जो मेरे नॉन और जितने बंदी थे उनसे वो जो है ना पैसे की डिमांड करता था, और उसी विषय पे कल पानीपत में उस बंदे की गिरफ्तारी हुई है और ये मामला पूरा था जी। कैसे आपने उसको पकड़ा, कितना टाइम लगा इसको पकड़ने में, क्योंकि पहले भी आप कंप्लेंट दे चुके थे? मैं पहले देखो कंप्लेंट दे चुका था, मैंने इस बंदे को पहले भी किसी से नंबर निकलवा के जो जिससे विकास बनता था मैंने इसको फ़ोन किया था कि भाई ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब बहुत गलत बात है, आप मेरे नाम का मिसयूज कर रहे हो। तो इस बंदे ने मेरे को फ़ोन काट के मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया। तो कल एक्चुअली क्या हुआ था, परसों किसी लड़की का मेरे पास किसी मॉडल का फ़ोन आया, तो के ऐसे ऐसे आपके नाम से ना जो है ना फ़ोन आ रहा है मेरे पास और वो मेरे को गंदी गंदी बातें बोल रहा है, मिलने के लिए बोल रहा है, कुछ ऐसी बातें बोल रहा है। तो मैंने उससे कहा मैं नंबर दो, तो उसने नंबर दिया, तो फिर मेरे को जो है ना पता चला कि ये तो वही नंबर है जिससे मेरी बात हुई थी, मेरे पास सेव नंबर था ये। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया किसी अननोन नंबर से कि मैं ऐसे ऐसे भाई आपकी फ़ैन बोल रही हूँ और मेरे को आपसे एक बारी मिलना है। तो मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो, तो उसने कहा कि मैं विकास कुमार सिंगर बोल रहा हूँ जिसने गाना गाया था हट जाता उपाच्य में। तो मेरे को 100% ये लगा कि जब ये मेरे को इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है मैसेज में फर्स्ट टाइम, और तो ये और लोगों को तो जरूर 100% मतलब वो करेगा। तो उसी के जाल में हमने उसको, उसने कहा कि मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरी माँ का ऑपरेशन होना है, तो हमने कहा कि ठीक है आप पानीपत आ जाओ और पानीपत आके आप पैसे ले जाओ। तो ये बंदा पैसे लेने के लिए पानीपत आया, तो जिससे जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी और जो है ना इसको गिरफ्तार करवाया। सिंगर है, उन्होंने तो शिकायत भी दी थी और एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया कि वो उनके नाम से फेसबुक आईडी बनाकर पैसे ठग रहा है। पुलिस ने क्या कार्रवाई कल, ये जो लड़का है जिसके खिलाफ विकास ने जो कंप्लेंट करी थी उसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। जो फेसबुक आईडी वाली बात है वो सारी उसने कंप्लेंट मॉलटाउन थाने में कर रखी है। कल का जो मामला था, कल उसने उसको मैसेज कर करके और बोला कि मेरी मदर की तबीयत ख़राब है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे दो। वो खुद भी विकास के नाम से ही विकास को फ़ोन कर रहा था, तो उसने दूसरे का नाम मतलब किसी और व्यक्ति का रूप धारण करके कि दूसरे को पैसे मांगे, इस एवज में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट किया, गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में उसको रिमांड में लिया जाएगा। हाँ, उसको जैसे भी है तफ्तीश जैसे भी होगी उस हिसाब से। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।